Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, the great viewers. Good morning, good evening, good night, bon dia, hota, and good night. कैसे हैं आप? कैरियर से हैं? All well. ये हम तीन जो कहते हैं इंग्लिश में ग्रीट करते हैं, पुर्तगीज़ में ग्रीट करते हैं. इसका मतलब है कि ये तमाम चूँकि 24 आवर्स दुनिया में चलते हैं, लिहाजा तमाम दुनिया को DNN के मेज़बान यकूब जावेद कमानगर इस्लाम. आज हम परसों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी साबिक वज़ीर आज़म कप्तान इमरान खान की, PTA के चेयरमैन हैं हिज लॉर्डशिप जनाब अतर मेहरा साहब चीफ जस्टिस जो हैं उनकी सरबराही में लार्जर बेंच था, कॉन्टेम्प्ट थी. हम इतनी गुजारिश करेंगे अदालत आलिया से, अदालत उज़्मा से, बड़े एहतराम के साथ, बड़े ही एहतराम के साथ, नहायत एहतराम के साथ. अगर अदलिया की अदलिया का एहतराम, पाक फ़ौज का एहतराम और इंसानियत का एहतराम, कौम का एहतराम, बड़ों का एहतराम, छोटों का एहतराम ख़त्म हो गया, वो कौमें तरक्की नहीं करती. लिहाजा हमें वालदैन ने एहतराम सिखाया, अदब सिखाया, तहजीब सिखाई, और ये दुख के साथ कहना पड़ता है योर लॉर्डशिप के जो शख्स जो कंटेंप्ट का मुजरम आपकी अदालत में पेश हो रहा था, पूरा मुल्क साकित, अदालत में वकार के साथ सब ऑल कंप्लीट साइलेंस, सिक्योरिटी पे लाखों रुपया खर्च हुआ, वो जाहो जलाल के साथ आपकी अदालत में पेश हुआ, तमाम रास्ते बंद, स्कूल बंद, इदारे बंद, और क्या था कि एक जिस शख्स ने एक खातून जज को धमकी दी है, तो धमकी देना तो क्या बात है सर, धमकी तो कुछ भी नहीं, धमकियां तो रोज़ मिलती हैं. अब क्या दोहराऊं, न्यूट्रल का तर्जमा किसी दुनिया की डिक्शनरी में नहीं जो इमरान खान ने निकाला. फिर ये गीदड़ों, हज़ारों सैकड़ों गीदड़ों का एक शेर, उसकी मिसाल कहीं पता नहीं कौन एडवाइज़र हैं. फिर बेशुमार मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं मार दूंगा, मैं उड़ा दूंगा, ओ राना सनाउल्ला, ओ वीर शकील, ओ एक्स एंड वाई फलां जेड, क्या हो गया? क्या हमारी काबिले एहतराम मरहूमा शौकत खानम साहिबा ने ये तरबियत दी? हमारी माँ, ग्रेट माँ आमना बेगम तहज्जुद गुज़ार मेरी माँ ने तो ऐसी तरबियत नहीं दी थी. उन्होंने इमरान जब पैदा हुआ होगा तो क्या जश्न मनाए होंगे, मैं जब पैदा हुआ होगा तो मेरी माँ चाहे रईसजादी ना थी क्या खुशी मनाई होगी. औलाद जब पैदा होती है तो वालदैन सबसे पहले क्या अजान दिलवाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल का नाम होता है बच्चे के कान में. आपने तरबियत क्या कर दी कप्तान? हमने एक ट्वीट का जवाब दिया योर लॉर्डशिप, उस शख्स को आप कहते हैं कि आपके बयान को हम तहसीन की नज़र से देखते हैं, आपको हम वो जब पेश होता है तो उसको एहतराम की नज़र से देखते हैं, क्या तहजीब नहीं देख रहे कि एक ट्वीट जिसमें शहबाज गिल जो है उसके ऊपर लिखा कि शहबाज ओ जट्टा तगड़ा हो जा शेर बन, ये अल्फाज कोई गलत नहीं है, पंजाबी में था कि की चित्तू निकले हैं यार, औरतें अंदर जेल में गईं, जेलें भरी हुई हैं, मरियम नवाज़ अपने वालिद की, मरियम ना तो हमारी रिश्तेदार है ना आपकी रिश्तेदार है, वो एक मोहम्मद नवाज शरीफ जो इस मुल्क का 3 मरतबा वज़ीर आज़म हैं उनकी साहबजादी है, वो यहाँ सियासी मैदान में अपने पार्टी को लीड कर रही हैं, उन्होंने वो क्राउड पुल करती हैं, उस वो अपने वालिद को कैदी वालिद को मिलने जाती हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो जेल में जाती हैं, कोठरी में बंद होती हैं, बाप कोठरी में बंद है, चचा कोठरी में बंद है, और दूसरा कप्तान इंतहाई अफसोस है, इतना लिखा है कि वो जट्टा गिल जट बन चित्तू निकले हैं, 2 मिनट घबरा गए, उस पर तुम्हारी बदतहजीब जो तुमने जो ब्रीड पैदा की है वो दुनिया से जाने वाली माओं को गालियाँ देती है, गाली कौन सी बड़ी बात है, एक आधे इंच का लोथरा जो है हिलाना होता है, नहीं हमें नहीं सिखाया, रोज़ गालियाँ पड़ती हैं, बदतमीज तुमने तहजीब का वो जनाजा निकाला, करो जल्द से, धमकियाँ दो, IG को कान पकड़ा दो,
न्यूट्रल को जो मर्जी कहो, तुम्हारा है, क्या हो गया? वजीर आजम थे, रुल गए, गलियों में घूम रहे हो, सिक्योरिटी करोड़ों रुपए की सिक्योरिटी, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए तुम्हारे पेट्रोलों पे, एक सेकंड में अदालती आलिया के मुअज्जिज जज साहबान तशरीफ लाए, तुम जाके रोस्टम पे क्या आए, तुम उठ खड़े हुए और लार्जर बेंच उठ खड़ा हुआ, कौम का करोड़ों रुपया डूब गया, रिजल्ट जीरो। और आइए हम आपको एक ऐसी पिक्चर दिखाते हैं, एक शख्स जो मजमाए आम में जो MLA था नेशनल असेंबली में, उनका नाम था ख्वाजा रफीक, उनको शहीद कर दिया गया, बच्चे उस वक्त छोटे थे, साद रफीक, सलमान रफीक, उन्होंने तो अभी मेरा ख्याल है गलियों में खेलना शुरू किया था कि उनके घर में सफ़े मातम बिछ गई, हमारे रिश्तेदार नहीं है, कैदी हुए, कोड़े खाए, जेलें भुगती, अदालत में पेश होते हैं और मुल्क की अदालत के चीफ जस्टिस क्या फरमाते हैं, और किधर है लोहे दे चनों वाला, माय लॉर्ड आप हमारे ऊपर छतरी हैं, आप अम्ब्रेला हैं, आपकी अदालत में पेश होने वाला आपके अमान में आ जाता है, उसको इस तरह उसकी तस्दीक की जाए, बेइज्जत किया जाए, तीन मरतबा का वज़ीर आज़म आपके अदालत में पेश होता है और जनाब साबिक चीफ जस्टिस जो डैम के नाम पे पता नहीं कितना रुपया इकट्ठा किया जो उनका मैंडेट नहीं था, उनको ट्रायल होना चाहिए, एक जज का क्या काम है कि वो चंदा मांगे, सड़क पे खड़ा जो मौलवी चंदा मांगता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, भिखारी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अरबों रुपए इकट्ठा करते हैं, क्यों? उनका मैंडेट नहीं था। अदालतों का तो हाल देखिए, जज तो छपरों पे बैठे हुए, जो सेशन कोर्ट्स हैं उनमें जाके वकला साहबान की हालत देखें, और वो क्या फरमाते हैं, वो जब तीन मरतबा के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिनके ऊपर बेशुमार मुकदमे भरे हैं, अदालतों में केसेस हैं, हम उस पर भी नहीं जाते, उनको ये कहा गया तो क्यों ना ये देते, JIT बना दी जाए, कोई 30-35 साल पुराना केस था पाकपतन में, जो भी था क्या हो गया, कप्तान ने सब अंदर कर दिए, सब ने जेलें भुगती, सब काल कोठरी में चले गए, जब कुछ भी नहीं हो सका तो आपने राणा सनाउल्लाह के ऊपर हेरोइन डाल दी, क्या जवाब दोगे, झूठी कस्बे वालों का क्या हाल है, रुलते फिर रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, कहीं टमाटर पड़ते हैं, ओ जी पूरी कौम नहीं, कौन सी कौम, कौम जिनकी आपने तरबियत ये की है तो गाली देते हैं, बेटी बाप को गाली दे रही है, बेटा माँ को गाली दे रहा है, और जो मर्जी करें, डांस करें, नाचें, खुशी मनाएं, जलसे करें, जुलूस करें, खुदा के लिए तहजीब का जुलूस तो मत निकालें, निकाल दिया है कप्तान, और इसका हिसाब तुमसे अगले जहान भी होगा, इस जहान भी होगा, इसलिए आपको ये इन हरकत की वजह से मालिक कायनात ने गलियों में रुला दिया है, अरबों रुपए इकट्ठा कर लें, आप जो मर्जी कर लें, आपके करप्शन के केसेस के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, आपके यहाँ एक रिपोर्टर आती है, आप उससे शादी कर लेते हैं, वो आपका जाती मामला है, फिर उसके ऊपर गलाजत का ढेर, फिर उसको गालियाँ, गंदी गालियाँ दी जाती हैं, जो पार्टी छोड़ता है उसको, आपके ये बच्चे जिनको आपने बद इखलाक बना दिया, बद तहजीब बना दिया, वो उन्हीं ख्वातीन को जो आपके झंडे बनाती हैं, झंडियाँ लगाती हैं, रात को आपके पोलों पर चढ़ के बेचारी काम करती हैं, उनको तवायफ कहते हैं, उनको गालियाँ देते हैं, उनको क्या कहते हैं, वो आपकी पार्टी की। चलिए तो मैं गुजारिश करूंगा योर लॉर्डशिप, एक मिनट की कार्रवाई पे कौम का करोड़ों रुपया डूबते, और इसी आपकी अदालत और अदालत उस्मा के उस खूबसूरत हाल में जहां सब अमन लेने आते हैं, इंसाफ लेने आते हैं, आप उनके अमीन होते हैं, वहीं वो पांच निहाल हाशमी, दानियार अजीज, तलाल चौधरी, मैनी अदर्स, उनको जो इंसाफ मिला वो आज दुहाई दे रहे हैं कि हमारे पाँच साल वापस लौटा दो, जज साहब हमारे पाँच साल वापस लौटा दो, जुर्म किया, सजा दी, माफ़ी मांगी, आपसे जान बख्शी की भीख मांगी, नहीं माफ़ किया, ओके इट्स ओके। तो यहाँ दिन दिहाड़े गालियाँ दी जा रही हैं, फौज को गालियाँ दी जा रही हैं, जज को गालियाँ दी जा रही हैं, आपको सिर्फ वो नहीं,
कप्तान नहीं, उसका तो अल्लाह ही हाफिज है, वो तो उसका तो ना तो दिमाग काम करता है ना जबान काम करती है, वो बड़ी माँ का बेटा है, उसने बड़ा काम किया है, वो उसमें उसका एक आना नहीं लगा, कप्तान तुम्हारा एक आना नहीं लगा। जमीन गवर्नमेंट की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने दी, उन्होंने भी कौन सी अपनी जेब से दी, वो वजीर आला थे, उन्होंने आपको जमीन दी, और बच्चों ने बूढ़ों ने बेवा ख्वातीन ने उस अस्पताल पे पैसा लगाया। आप मौज कर रहे हैं, मैं किसी वक्त आपके मैं मेरे इंटरव्यू में बैठे कप्तान मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ जाके कितना रुलना पड़ता है, और मैंने पर्सनली भुगता है, मैंने फेस किया है, मैंने अपने घर का एक फर्द खोया है वहाँ, वहाँ चलता हुआ इंसान जाता है और फिर वो फटी हुई लाश लेके आ जाता है। कीमो दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड और लूटिंग इंडस्ट्री है, तो खुदा रहा अपनी जबान पे भी कंट्रोल करो कप्तान, और इन बच्चों का तो अल्लाह ही हाफिज है, इनके वालदैन से हम हाथ जोड़ते हैं, इनको बताइए, इन बच्चों को बताइए, इन बेटियों को बताइए कि कप्तान आपको ये मैं याद करा दूं, आपको भी याद है इस मुल्क में न्यूक्लियर प्लांट का पौधा लाने वाला जुल्फिकारी भुट्टो मोहसिन पाकिस्तान, और बीज बोया कजाफी ने, C-130 सब सुन ले बच्चों बड़ों और हमारी एज के एज मेट्स, कर्नल कजाफी मरहूम ने एक C-130 डॉलरों का भर के दिया था, और कहा था जुल्फिकार अली भुट्टो या जुल्फी दोस्त से बड़े देवजीत को उन्होंने बेटी बनाया हुआ था, उन्होंने कहा मैंने तो नहीं रहना, मुझे नहीं रहने देंगे, शायद तुम्हें भी ना रहने दें, जाओ पाकिस्तान को तो बचाओ, और यही हुआ। उस भुट्टो ग्रेट मैन को जब ट्रायल किया गया तो उसने जजेस के सामने पांव पटका था, फिर उन्हीं अदालतों ने उसको तख्तेदार पे पटख दिया, क्या बनते हो, ये हिला है, ये जो तुम कर रहे हो इस पे खूबसूरत शेर है, अपनी हस्ती हवाब की सी है, सारी मस्ती शराब की सी है, झटका होगा ऐसा तुम फारिग हो जाओगे, और अभी फारिग हो गए हो, तो अपना जरा पंजाबी करें थोड़ा छावे बनो। ग्रेट व्यूअर्स, बड़ी खूबसूरत बात आपको बता दी, शेयर कर दी, बच्चों बेटियों बहनों और काबिल एहतराम माओ, खुदा के लिए सब कुछ करो, चुन लो लीडर, चूमो उसके पांव, चूमो उसकी दीवारों को, बनी गाला की रायबंड की दीवारों को चूमो, बलावल हाउस की दीवारों को चूमो, लेकिन खुदा रा अपने जो अजीज हैं एक दूसरे को स्टैबिंग मत करो, खून खराबा मत करो, जबान का इस्तेमाल एहतियात से करो, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। छोटा सबक पर मिलते हैं छोटे सबक के बाद, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग DNN, और हम ये नहीं कहेंगे कहीं मत जाइए, हैव ए कप ऑफ नाइस कप ऑफ टी, हम यू लौटेंगे।